अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन पाया की रेसिपी। विंटर है, विंटर में पाया खाने का एक अपना ही जायका होता है, तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार सा पाया। इसके लिए मैंने 9 पीस बने हुए पाए लिए हैं। इसे क्लीन करेंगे तो इसमें डाला है 3 टेबल स्पून व्हीट फ्लोर, गेहूँ का आटा। इससे जो है पाया बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और जो थोड़े बहुत बाल होते हैं वो भी इजली निकल जाता है। तो सारे पाए के ऊपर अच्छे से कोट कर देंगे और इसी तरह 5 मिनट के लिए रहने देंगे। 5 मिनट के बाद इसे इस तरह से मसलते हुए साफ करेंगे। अब इसे खुले पानी में 3 से 4 बार धो लेंगे। तो इसे मैंने खुले नल के पानी में अच्छे से धो लिया है और पाया बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, देख सकते हैं। अब इसका स्मेल हटाने के लिए यहाँ पे मैंने पानी लिया है, इसमें पाया डाल दिया है। उसे कुक नहीं करना है, बस जब एक बॉयल आ जाएगा तो ये जो मलाई की तरह है ऊपर, इसे हम हटा देंगे। और पाया को एक बार और धो लेंगे। तो पाया बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। ग्रेवी बनाने के लिए हमने लिया है 2 मीडियम साइज़ का प्याज, 8 लहसुन के जवे, 2 छोटा टुकड़ा अदरक का। इसे इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, बट फ्रेशली बनाकर डालना है। साबुत मसाले में लिया है 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 6 पीस लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, साबुत जीरा। लेंगे प्रेशर कुकर, इसमें डाल देंगे 1/2 कप ऑयल। तो मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाला है, इसे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाएगा फिर इसमें हम प्याज डाल देंगे। तो प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा इसे फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो प्याज गलेगा नहीं। इसमें डाल देंगे पाया और इसे भी 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को लो कर देंगे। इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक। सारे साबुत मसाले, 1 टेबलस्पून नमक टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो मसाले को हमें भूनना नहीं है, बस मिक्सिंग करेंगे। अब इसमें डाल देंगे 2 कप पानी। अच्छे से मिक्स कर देंगे और जब एक बॉयल आ जाएगा फिर ढक्कन बंद करके इसे प्रेशर कुक करेंगे। एक सीटी आने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए कुक करेंगे। 15 से 20 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। तो पाया अच्छे से गल गया है, देख सकते हैं, इसी तरह का हमें चाहिए। अब फ्लेम को ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पे इसे 5 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि जो प्याज वगैरह है वो अच्छे से मैश हो जाए। तो पाए का ग्रेवी थोड़ा पतला ही होता है। इसमें डालेंगे 1 कप पानी, अपने अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून घी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढककर 5 मिनट के लिए कुक करेंगे लो फ्लेम पे, ताकि जो चीज़ें हमने डाली है उसका फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो पाया हमारा तैयार है।
इसके साथ हमने लिया है लेमन, चॉप धनिया पत्ती, चॉप हरी मिर्च, जुलियन कटे हुए अदरक, क्योंकि इसके बिना पाया का टेस्ट बिल्कुल अधूरा है। अब इसे सर्व करेंगे, तो बाउल में निकाल लिया है, ऊपर से डाल देंगे धनिया पत्ती, जुलियन कटे हुए अदरक, हरी मिर्च, और मज़ेदार सा पाया हमारा तैयार है। इसे सर्व कीजिए रोटी या फिर नान के साथ। अल्लाह हाफिज़।